हेलो एवरीवन पीएचडी एडमिशन 2023-24 सेशन में एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे ये नोटिफिकेशन एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आई है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 सितंबर से स्टार्ट है एंड लास्ट अपलाइंग डेट 14 अक्टूबर है एप्लीकेशन फीस हंड्रेड है फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फोर्टी प्लस सब्जेक्ट अवेलेबल है जिसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर थ्री प्लस सीट अवेलेबल है यहाँ नेट जी आर एफ ऑनली पी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ कुछ कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम भी रखा गया है जिसके बारे में आगे बात करेंगे गाइज इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी वीडियो को इंड तक बिना स्किप किए हुए देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपका मिस ना हो हेलो गाइज मैं कविता कुसुम अपने इस YouTube चैनल कविता हाइड्रो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइज अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको पी एच डी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप यूजीसी नेट सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं तो गाइड अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले आप उसे इमीडिएट देख पाए और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो को तो कमेंट करें ये यूनिवर्सिटी है गोवा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एडमिशन टू पी एच डी प्रोग्राम ऑफर्ड एट द यूनिवर्सिटी स्कूल एंड रिसर्च सेंटर यहाँ यूनिवर्सिटी की लिंक दी हुई है जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे एंड इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स में 29 सितंबर को यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है लास्ट अप्लाइंग डेट 14 अक्टूबर है

टू इयर्स की है तो उसके साथ में थ्री इस की बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में 55 परसेंट मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट एंड एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रीमी लेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए 50 परसेंट होने चाहिए यहाँ पर उनको 5 परसेंट की रिलैक्सेशन है

एंड वे कैंडिडेट जो ये सब नहीं किए हुए हैं पास नेट या सेट का है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए एंड उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे होगा यहाँ पर उन कैंडिडेट का नेट सेलेट का स्कोर 70 परसेंट रहेगा एंड 30 परसेंट वेटेज रहेगा इंटरव्यू का यहाँ पर नेट जी आर एफ लेक्चरशिप सभी कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम से एक्जाम रहे एंड वे कैंडिडेट जो ए या बी में नहीं आते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। करेगीवेंटीज रहेगा इंटरव्यू का एडमिशन टू ऑन द बिलो लिंक ये लिंक दिया हुआ है एडमिशन पोर्टल लिंक ये डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द एप सब ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन फीस अनिजर्व ओ बी सी नन क्रीमी लेवल ई डब्ल्यू एस के लिए सेवन हंड्रेड है एंड एस सी एस टी के लिए थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज है पर्सन विद डिसबलिटीज के लिए कोई फीस नहीं है इसमें एप्लीकेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम थ्री प्रोग्राम्स आप यहाँ मैक्सिमम थ्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है इसको देख लेंगे नेक्स्ट है वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है उसके गाइड कौन रहेंगे एंड स्पेशल एरिया क्या है सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम ऑफ गाइड दिया हुआ है ये डेजिग्नेशन है उस गाइड का ये सब्जेक्ट दिया हुआ है सबसे पहले डिपार्टमेंट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिसमें फ्रेंच है फ्रेंच में थ्री सीट इसमें है दो सीट इसमें है एंड ये इसकी स्पेशल एरिया है इस तरह से सारे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं अब जिस डिपार्टमेंट पे अप्लाई करेंगे उसकी स्पेशल एरिया को देख लेंगे यहाँ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर में फ्रेंच है जिसमें फाइव सीट है कोंकणी है जिसमें सेवन सीट है मराठी है जिसमें वन सीट है एंड इस साइड में इसकी कैटेगरी दी हुई है एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस ये टोटल रिजर्व है एंड ये अनरिजर्व है तो कैटेगरी आप देख लेंगे मैं टोटल सीट को बता दे रही हूँ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में फ्रेंच एंड कोंकणी मराठी है जिसमें की फाइव सेवन वन सीट है सोशल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस में सोशियोलॉजी है थ्री सीट है इसमें स्कूल ऑफ लॉ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत स्टडी है जिसमें एक सीट है स्कूल ऑफ संस्कृत फिलोसफी एंड इंडिक स्टडी है जिसके अंदर में फिलोसफी है जिसमें फोर सीट है स्कूल ऑफ फिजिकल एंड अप्लाइड साइंस में फिजिक्स में एट सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स में सेवन सीट है मैथमेटिक्स में वन सीट है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में बॉटनी में फोर सीट है बायोटेक्नोलॉजी में एट सीट है माइक्रोबायोलॉजी में फोर्टीन सीट है जुलोजी में फोर सीट है देन स्कूल ऑफ केमिकल साइंस है जिसमें केमिस्ट्री में सिक्सटी टू सीट है बायोकेमिस्ट्री में टेन सीट है देन स्कूल ऑफ अर्थ ओशियन एंड एटमोस्फेयरिक साइंस है जिसके अंदर में मेरायन साइंस है फाइव सीट मेरायन माइक्रोबायोलॉजी में फिफ्टीन सीट अर्थ साइंस में फोर सीट है गोवा बिजनेस स्कूल में कॉमर्स में फाइव सीट है इकोनॉमिक्स में वन सीट है मैनेजमेंट स्टडीज में ट्वेल्व सीट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एन इसके अंदर में मेराइन साइंस है जिसमें थर्टी फाइव सीट है अर्थ साइंस में दो सीट है माइक्रोबायोलॉजी में दो सीट है एंड केमिस्ट्री में थ्री सीट है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओसियन रिसर्च इसमें मेराइन साइंस में फोर्टीन सीट है अर्थ साइंस में वन सीट है माइक्रोबायोलॉजी में टू सीट है गोवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक इसमें म्यूजिक में टू सीट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स कन्नड़ इसमें रिसर्च सेंटर इन केमिस्ट्री में एटीन सीट रिसर्च सेंटर इन कॉमर्स में थ्री सीट है रिसर्च सेंटर इन इकोनॉमिक्स एंड हिंदी में थ्री सीट है गोवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक इसमें दो सीट है गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी इसमें एट सीट है गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसके अंदर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वन सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इलेवन सीट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्टीन सीट है सिविल इंजीनियरिंग में फाइव सीट है देन आपका आई नेशनल इंस्टीट्यूट मेलेरिया रिसर्च डीएसएच इसमें आपको जोलॉजी में तीन सीट है देन रिसर्च सेंटर इन कॉकनी इसमें तीन सीट है इंग्लिश में थ्री सीट है मैथमेटिक्स में थ्री है पॉलिटिकल साइंस में फोर है हिस्ट्री में वन है अप्लाई करने से पहले इन डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे यूनिवर्सिटी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग